ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन. आप सभी का आज के इस सेशन में फिर से स्वागत है. जैसे कि आपको पता है, हम आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इनटू द वाइल्ड, इसको आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में आपका ये जो चैप्टर है इनटू द वाइल्ड, इसके अंदर दो पार्ट है. ठीक है, पहले पार्ट में किरण पुरंदरे नाम के एक इंसान है, उनके बारे में बताया गया है, और दूसरे पार्ट में शाज जंक के बारे में बताया गया है. तो पार्ट वन जो है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको A to Z समझा दी हूँ. अब बारी आई है पार्ट नंबर टू, जिसका नाम है ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागर होल, जिसमें हम शाज जंक की जर्नी के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो कौन है शाज जंक, उनकी ये जर्नी क्या है, क्या इस चैप्टर में बताया गया है, आज मैं आपको पूरा A to Z बताने वाली हूँ. तो प्लीज अपने इंग्लिश के टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, और जो भी हार्ड वर्ड्स बोलूंगी उसका मीनिंग आप साथ में अपनी मदर टंग में लिखते जाइए. ठीक है, सो यहाँ पे कौन कौन आ गया है, जरा हम भी तो देखे कौन है हमारे डेडिकेट बच्चे. अल्तमश, अनुजा, राजश्री, गुंजन, प्रतीक, अफरा, कृष, कामरान, क्या बात है, ग्रेट. चलिए स्टार्ट किया जाए. स्टार्ट करने से पहले एक बार नजर डाल ले कि हमने अब तक क्या क्या कंप्लीट करे हैं. हमने आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर को पढ़ चुके हैं. चैप्टर नंबर 5 बाकी है, हुआ नहीं है, होगा, बहुत जल्द होगा. ठीक है, हम अभी चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 में है, और आज पूरा अपना चैप्टर नंबर 6 की कहानी खत्म होने वाली है. ठीक है, तो चलिए जी, इन टू द वाइल्ड का पार्ट 2 पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. इन टू द वाइल्ड हमने कल पढ़े थे, तो पिक्चर खत्म नहीं हुई थी. पिक्चर जो है आज खत्म होने वाली है. तो कल हमने किसके बारे में पढ़े थे, कल हमने इस इंसान के बारे में पढ़े थे. ये इंसान कौन है, इनका नाम है किरण पुरंदरे. किरण पुरंदरे ये 400 डेज के लिए किधर गए थे, एक नगजीरा नाम का फॉरेस्ट है, उधर पे रहे थे. वहां पे उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा था, वो पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने एक बुक में लिख डाले, और वो बुक का नाम उन्होंने रखे शाखा नगजीरा. वो बुक में से एक छोटा सा किस्सा निकाले कि वो एक दिन जंगल में खो गए थे. ठीक है, एक दिन जंगल में खो गए थे, और वो किस्सा हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना था, जिसका नाम था लॉस्ट इन द जंगल. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया है. अब बारी आई है पार्ट नंबर 2 की. ठीक है, ये आपको पार्ट 2 दिख रहा है, पार्ट नंबर 2 की, जहां पे हम इस इंसान के बारे में पढ़ेंगे. ये इंसान का नाम मैंने आपको क्या बताया, इस इंसान का नाम है शाज जंग. ठीक है, शाज जंग ये कौन है, जैसे हमने देखे किरण पुरंदरे एक एनवायरमेंटलिस्ट थे. ठीक है, उसी प्रकार से शाज जंक कौन है, तो जैसा आपको इनके हाथों में इतना बड़ा सा कैमरा दिख रहा है, ये सेल्फी लेने के लिए तो कैमरा है नहीं, या कोई एक इंसान का फोटो लेने के लिए तो इतना बड़ा कैमरा है नहीं. ये कैमरा इतना बड़ा जूम करने के लिए होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो भी फोटोग्राफर्स होते हैं, जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर कोई एनिमल है, कोई टाइगर लायन है, तो उसके नजदीक जाके तो हम फोटो नहीं खींच सकते ना, वरना हम भी अटैक कर देगा. तो इतने बड़े बड़े कैमरास होते हैं जो दूर की भी फोटो को एकदम अच्छी क्वालिटी में खींचते हैं. ठीक है, तो शाज जंग कौन है, सबसे पहले तो ये एक फोटोग्राफर है. फोटोग्राफर मतलब ये शादी ब्याह की फोटो नहीं खींचते, ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है. ठीक है, यानी कि एनिमल्स लोगों की, इंसेक्ट्स लोगों की फोटो खींचते हैं, स्पेशली बिग कैट लोगों की. बिग कैट लोगों की यानी टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, इस एनिमल की कैटेगरी के वो ज्यादा फोटो खींचते हैं. सिनेमेटोग्राफर है, यानी कि एनिमल्स लोगों पे वो एक प्रकार से फिल्म और थोड़ा अच्छे क्वालिटी में वीडियोस टाइप भी क्रिएट करते हैं. तीसरा क्या मैंने बताई, बिग कैट ट्रैकर है, मतलब कि फोटोग्राफर बहुत सारे एनिमल का खींचते हैं, बट उसमें से टाइगर, लेपर्ड एंड ब्लैक पैंथर जो अपने बिग कैट होते हैं, उसका ज्यादा ये फोटोग्राफी करते हैं, और उसकी ट्रैकिंग करते हैं. ट्रैकर ट्रैकर मतलब क्या होता है, ट्रैकर मतलब कि अगर आज मैंने कोई लेपर्ड की फोटो खींची, तो वो एक साल तक उस लेपर्ड ने क्या क्या किया, उसका पूरा ट्रैकिंग रखना एक अच्छे से फोटोग्राफी में एल्बम बना के, या वीडियो ले रहे हैं तो सिनेमेटोग्राफी में एक वीडियो बना के उसकी पूरी ट्रैकिंग करना. ठीक है, उसके बाद मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्वर, इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करे है, वो प्रॉब्लम हम आपके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, बस अभी फिलहाल इतना समझो कि इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करे है.
तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, मैं समझाऊंगी आगे चैप्टर में जब आएगा। और एक लॉज ओनर है, लॉज ओनर मतलब कि यहाँ पे अपने नागर होल, नागर होल कर्नाटका में एक बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ पार्क है, ठीक है। नागर होल किधर पे है, कर्नाटका में एक नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क है, उधर का एक हिस्सा ये ओन करते हैं, और वो जो भी पार्क है उसके अंदर के सारे एनिमल्स की देखभाल करना, फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी का ये करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना थीम समझ में आ गया होगा कि शार्स जंक कौन है और क्या करते हैं और क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो देखो पार्ट टू का नाम क्या है, ट्रैकिंग द पैंथर। पैंथर आपको पता है, जो फोटो लगाई हुई मैं जब बताऊंगी आपको, ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागर होल। नागर होल क्या है, इट इज द नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका में है, तो वहां के नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स को कंजर्व किया गया है, लोगों को पिंजड़े में नहीं डाला गया है, जैसे अपना मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क है, राइट, उसी प्रकार से। और ये नागर होल का दूसरा नाम अपना क्या है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, अगर आप गए हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। लेट अस बिगिन एवरीवन। क्या है फर्स्ट लाइन, आपके चैप्टर के शुरुआत होती है, शार्स जंक को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। देखो शार्स जंक इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जो मैंने बता दिया आपको। दूसरा क्या, सेनोमेटोग्राफर। तीसरा क्या, बिग कैट ट्रैकर। फोर्थ क्या, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब रिजोल्यूशन सॉल्व करे है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वो देखेंगे हम चैप्टर में। और फिफ्थ क्या है, लॉ, जो उन्होंने बताई, बड़ा सा हिस्सा एक वाइल्ड लाइफ का ओन करते हैं और उनका देखभाल करते हैं, ठीक है। ऑल रोल्ड इन वन, मतलब कि भाई वाइल्ड लाइफ में बहुत बड़ा ये अलग अलग हिस्से में घुसे हुए हैं और इतनी सारी चीजें अकेले संभाल रहे हैं, यानी कि ऑल रोल्ड इन वन, ऑल इन वन इंसान, ठीक है। व्हेन ही इज अवे फ्रॉम द जंगल ऑफ नागर होल, ऑफिशियली कॉल्ड द राजीव गांधी नेशनल पार्क। वही मैंने बताई, नागर होल ये जो पार्क है इसका दूसरा नाम, एक और नाम है जिसका ना, जो नागर होल ये एक और नाम से जाना जाता है, जिस क्या क्या नाम से, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ही इज लीडिंग फोटोग्राफी सफारी इन अफ्रीका और शोकेसिंग हिज वर्क एट आर्ट गैलरी इन कैपिटल सिटीज एंड स्पीकिंग टू दोज इंटरेस्टेड इन कंजर्विंग द प्लेनेट रिचेस। देखो क्या बोल रहे हैं इधर पे, जब शार्स जंक इंडिया में नहीं होते हैं, जब वो नागर होल में नहीं होते हैं, तब वो किधर होते हैं, या तो वो अफ्रीका में जाके सफारीज की फोटो खींचते हैं, यानी अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ में जाके, दूसरी कंट्री में जाके वहां के एनिमल लोगों की फोटो खींच रहे होते हैं, और अपने कंट्री के यानी इंडिया में उन्होंने जो भी फोटोज खींचे हैं, क्लिक करे हैं, वो फोटोज वो बाहर की कंट्री में जाके उनके म्यूजियम्स में, उनकी आर्ट गैलरी में जाके लगवाते हैं, सेल करते हैं। तो इससे क्या होता है, इंडिया का नाम रोशन होता है ना, कि इंडिया में ये सारे एनिमल्स है जो दूसरी कंट्री में जाके प्रमोट होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं, या तो फिर अगर वो ये नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, जो भी लोग प्लेनेट को, वाइल्ड लाइफ को, ग्रीनरी को कंजर्व करने के लिए लगे हुए होते हैं, उनके साथ ये मीटिंग्स, स्पीकिंग सब इनका लगा रहता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये इस फील्ड में आए कैसे, क्या इनका बचपन से यही बैकग्राउंड था, तो बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने अपना पैशन फॉलो किए थे। जैसे मैंने आपको बताती हूँ, फोटोग्राफी, ठीक है, थोड़ा सा भी आप महसूस करो, मैंने बहुत सारी फोटोज जमा करी हूँ जो कि क्लिक की गई है शार्स जंग के द्वारा, ठीक है। तभी जल्दी से नजर डालते हैं, ये सारी फोटोज जो भी आपके सामने आएगी, ये सारी फोटो किसके द्वारा क्लिक की गई है, शार्स जंग के द्वारा, ठीक है। तो चलो लेट अस बिगिन, 3 2 1। वाव, देखो इतने क्लोजअप से, मतलब कि हम ये एनिमल के सामने जाएंगे तो हमारी तो वैंड बच जाएगी, भाग जाएगी पहली फुर्सत में डर के। तो अलग अलग पोज में कोई भी एनिमल की फोटो क्लिक करना, फिर उसको दूसरी कंट्री में जाके प्रमोट करना, ये बहुत ही अच्छा काम होता है, इंडिया का नाम रोशन होता है, इससे इंडिया का वाइल्ड लाइफ कल्चर ग्रोथ होता है, ठीक है। मैंने जैसे बताई थी, ये ज्यादातर बिग कैट्स लोगों की फोटो क्लिक करते हैं, तो आपके सामने वही फोटो आ रही है। वाओ, ये तो अपने लायन का इतना मस्त पोज हो गया यार, है ना। ये प्रेडिटर हिरन को पकड़ते हुए, ठीक है।
तो आपको एक थीम मिल गया होगा कि चार्ल्स जंग सच में एक मस्त फोटोग्राफर है वाइल्ड लाइफ के। ठीक है, तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। क्या चार्ल्स जंग डायरेक्टली फोटोग्राफी में आ गए, वाइल्ड लाइफ में उनका इंटरेस्ट था? तो ऐसा नहीं था, वो पहले कुछ और कर रहे थे, वो कुछ अलग जॉब में थे, कुछ अलग करियर में थे। देखो क्या है, चार्ल्स रिकॉल्स विद ग्रेट क्लैरिटी द इंसिडेंट डेट अल्टीमेटली लीड्स टू हिज आंसरिंग द कॉल ऑफ फिलाइंस ओवर अ करियर डेडिकेटेड टू फाइनेंस। शाज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं वाइल्ड लाइफ में आया, ये एक क्या बोलेंगे, ये प्री प्लान चीज नहीं थी, ये एक इंसिडेंट हुआ और मैं अचानक से इस फील्ड में आ गया। उससे पहले मैं कहाँ पे था, मेरा करियर था फाइनेंस की फील्ड में। फाइनेंस यानी कुछ पैसे से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड इनका था, कॉमर्स बैकग्राउंड से थे ये। तो ये फोटोग्राफी में, वाइल्ड लाइफ में, कंजर्वेशन में कैसे आए, ये अभी हम जानेंगे। ठीक है, एक इंसिडेंट होता है, क्या इंसिडेंट होता है चलो उसको जानते। तो ये चीज याद रखना, वाइल्ड लाइफ में आने से पहले चार्ल्स जंग का कौन सा करियर था, फाइनेंस में थे वो, फाइनेंस में। ठीक है, इट वॉज समवेयर अराउंड सनसेट। क्या बोल रहे हैं कि सूरज ढलने ही वाला था और हम जो होते हैं वो एक जंक्शन में पहुंचते हैं। देखो यहां से अभी वो स्टोरी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, चार्ल्स जंग अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि मैं फोटोग्राफी में, वाइल्ड लाइफ में कैसे आया। बोल रहे कि एक शाम होती है, सूरज ढल ही रहा होता है, हम जो होते हैं वो एक जंक्शन में पहुंच चुके होते हैं। जंक्शन मतलब ऐसा इलाका जहां पे रोड होता है और उसी के जॉइंट में फॉरेस्ट ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जो है चार्ल्स जंग किधर पे आ गए हैं, एक जंक्शन में खड़े हैं, यानी कि वो फॉरेस्ट में एंट्री करने वाले। द डियर वेर कॉलिंग, वहां पे जो भी डियर थी, हिरन थी, वो लोग की आवाजें आ रही थी। वी वेंट अराउंड अ ब्लाइंड टर्न, हमने ऐसा कुछ देखा नहीं किधर जाना है, हमारा जहां मूड हुआ हम वो तरफ चले गए। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको खड़े हो, आपको पता है कि आप ये साइड में जाओगे तो आपको फॉरेस्ट मिलेगा, सामने भी फॉरेस्ट है, राइट हैंड साइड भी फॉरेस्ट है। तो उनने भी ज्यादा सोचे नहीं और जो उनका मन किया वो तरफ वो चले गए। ठीक है, एंड अप अहेड ऑन द पाथ वॉज दिस ओल्ड लेपर्ड, और हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमारे रास्ते में हमको कौन दिखा, हमारे रास्ते में हमको एक बूढ़ा लेपर्ड दिखा, ओल्ड लेपर्ड। देख के उसको हम पहचान जाते हैं, कैसे पहचाने कि ये ओल्ड है, यू कुड टेल ही वॉज पास्ट हिज प्राइम। बोल रहे थे कि उस इस लेपर्ड को ये कैसा है, ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। इसको देख के कोई भी ये बोलेगा कि ये जो है ना अभी बूढ़ा हो गया है, इसलिए इस जंगल का थोड़ा सा भी जो इसकी पावर है अभी कम हो गई है, हिज पास्ट इज प्राइम। ठीक है, देखो हर एक फॉरेस्ट में एक एनिमल ऐसा होता है जो बहुत खतरनाक होता है, तो ये अभी बूढ़ा हो चुका है ना, तो इसकी अभी जो एनर्जी है, पावर है, ये सुस्त हो गया है। हिज पास्ट हिज प्राइम, अब ये खो गया है ठीक है अपनी एनर्जी। द जंगल हैड टेकन अ टोल ऑन हिम, और ये जो हमारा जंगल है इसमें भी अभी जो दूसरे एनिमल है इससे डरते नहीं है, क्योंकि अब ये बूढ़ा हो गया है, सुस्त हो गया है। ही ओनली हैड थ्री कैनाइंस, और अब इसके कैनाइंस भी बस तीन ही दांत बचे हैं, तो कोई भी ये एनिमल को खाने भी जाएगा ना तो जल्दी इसको काट नहीं पाएगा, जल्दी कोई एनिमल इसके दांतों से इसकी डेथ भी नहीं होगी, मतलब दूसरे एनिमल की। हिज आईज वेर सैगी, और इसकी जो आंखें है वो बुढ़ापे की वजह से जो व्रिंकल आ जाते हैं, आंखें लटकने लगती है, तो उसकी आंखें अभी सैगिंग हो गई है। ठीक है, तो कुछ अभी वो ओल्ड लेपर्ड के बारे में बता रहे। अब बोलते हैं मैं दूसरी नजर फेरता हूँ, ठीक है, तो उधर पे कौन होता है, क्लोज टू दिस लेपर्ड, इसी के बाजू में एक दूसरा लेपर्ड होता है, और वो दूसरा लेपर्ड कैसा होता है, एकदम जवान, एकदम यंग, गुड लुकिंग, मतलब कि एकदम मस्त है, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसकी आंखें सैग नहीं हो रही, एकदम यंग लेपर्ड है ये। Who was soon to come into his prime, और ऐसा लग रहा है कि ये अभी अपने प्राइम में आएगा, प्राइम में आएगा इन द सेंस अभी ये प्रेडिटर्स जो होता है वो सिलसिला स्टार्ट करेगा और बहुत सारे एनिमल्स लोगों पे वार करना इसका स्टार्ट होने वाला है। तो ये था ओल्ड लेपर्ड, और ये जो दूसरा सामने है ना इसके, ये कौन है, यंग लेपर्ड। देखो कहानी अभी शुरू हो रही है कि चार्ल्स जंग जो है एक फॉरेस्ट में गए, उधर पे उनकी एक नजर पड़ी एक बूढ़े लेपर्ड पे, और उसी के बाजू में दूसरा लेपर्ड है जो कि एकदम जवान है। दोनों को देख के ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है, मेरे आंखों के सामने पास्ट है, देखो इट वॉज लुकिंग लाइक
पास्ट एंड प्रेजेंट, इट वॉज लुकिंग लाइक एट द पास्ट एंड प्रेजेंट, है ना। पास्ट यानी कि ये बूढ़ा हो चुका है अभी, प्रेजेंट यानी कि जो यंग लेपर्ड है वो अभी कब्जा कर लेगा, वो अभी सबसे पावरफुल बन जाएगा इस जंगल में। तो ऐसा लग रहा था पास्ट है और एक प्रेजेंट है, ठीक है। इट वॉज क्लियर डेट देर वॉज गोइंग टू बी अ फाइट, और मुझे ऐसा देख के लग रहा था कि इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है, यंग लेपर्ड और ओल्ड लेपर्ड के बीच में लड़ाई होने वाली है। बट अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि मैंने बताया कि हम शाम में इस जंगल में गए थे तो सूरज ढल चुका था, रात होने वाली थी, इसलिए मैं फाइट नहीं देख पाया और मुझे रिटर्न जाना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली द सन वॉज सेटिंग, सूरज ढल रहा था, दुर्भाग्यवश मुझे उधर से जाना पड़ा। लेकिन दूसरी मॉर्निंग फिर से मैं एक्साइटमेंट के साथ आया देखने के लिए कि क्या अभी उन दोनों की सिचुएशन है, क्या उन लोगों के बीच में फाइट हुई जैसा मैंने अनुमान लगाया था या नहीं हुई। तो दूसरे मॉर्निंग में फिर से उसी जंगल में पहुंच पड़ा। कौन से जंगल की इधर पे बात हो रही है? नागरहोल, नागरहोल, ठीक है। किधर पे सिचुएटेड है? कर्नाटका में। दूसरा नाम इसका क्या है? राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। आई वेंट बैक टू द स्पॉट, मैं उसी स्पॉट में गया यानी उसी जगह में गया जहां पे यंग एंड ओल्ड लेपर्ड बैठे हुए मुझे दिखे थे। सिटिंग ऑन अ हाई रॉक वॉज दैट यंग लेपर्ड, अरे भाई साहब, एकदम ऊंचे पत्थर पे, एकदम ऊंचे रॉक में एक लेपर्ड बैठा हुआ है, और ये वही लेपर्ड है जो मुझे कल दिखा था, यंग वाला। यंग लेपर्ड, दो लेपर्ड दिखे थे, एक बूढ़ा एक यंग। तो एकदम ऊंचाई में एक पत्थर था, उधर पे मुझे ये यंग लेपर्ड देख बैठा हुआ दिखा, लेकिन उसके मुंह से क्या बह रहा था? उसके मुंह से ब्लड, खून बह रहा था, गैश, और उसके मुंह में गैश हुआ था। गैश मतलब क्या था? डीप कट। जब लड़ाई होती है ना एनिमल लोग के बीच में तो बहुत कट्स होते हैं, फिर खून बहता है। तो वही बोल रहे है कि मैं जो अनुमान लगाया था ना कि इन दोनों के बीच में फाइट होगी, वो सही निकला, यानी उस लोगों के बीच में फाइट हुई है। और जीता कौन है? जीता है यंग लेपर्ड, इसलिए तो ये किंग की तरह जाके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। इसकी हालत कैसी हो चुकी है, दिख रहा है? इसके मुंह में देखो खून लगा हुआ है, यानी दोनों के बीच में फाइट हुई थी और ये जो है क्या हुआ है, जीत गया है। और ऐसा लग रहा है ये क्या है, उस जंगल का किंग है, ठीक है, समझ रहे हो? He sat there like he was the king of the jungle. भाई, finally, दोनों के बीच में fight हुई और वो जीत गया। अब वो अपने आप को जंगल का किंग समझेगा, सबसे पावरफुल अपने आप को वो समझेगा, और उसके बाकी के जो भी एनिमल हो गए उस पर ये हमला करेगा एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, ठीक है। I knew right then that he had taken over. मुझे पता ही था कि जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी ना तो यही टेक ओवर करेगा, यानी कि ये यंग वाला ही जीतेगा। एंड इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी ऑफ हिम एंड फॉर मी, और वहीं से मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई और उस लेपर्ड की भी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरी कौन सी जर्नी? कि मैं इतना उस इंसिडेंट में क्यूरियस हो गया, मेरा इस चीज में इतना इंटरेस्ट आने लगा कि ये जो यंग लेपर्ड है इसने अभी टेरिटरी यहाँ की जीत लिया है, अभी आगे आगे क्या करेगा, इसकी हर एक चीज मुझे ट्रैक करनी है, इसकी हर एक चीज की मैं फोटोग्राफ खींचूंगा। तो ये चीज में मेरा इंटरेस्ट बनने लगा, तो मेरी भी लाइफ की एक न्यू जर्नी इधर से स्टार्ट हुई और उस लेपर्ड की, ठीक है, जो यंग लेपर्ड है उसका, उसकी भी उधर से जर्नी स्टार्ट हुई। अब देखो उन्होंने क्या किया, उसका एक नाम दिया। क्या नाम दिया? Photographs of that leopard, the victor, यानी कि यंग लेपर्ड जीता था इसलिए विक्टर, उसका नाम क्या उन्होंने दिया? Scarface, याद रखना। Shahzand, देखो Shahzand अभी भी जिंदा है, ठीक है, तो ये कोई पुरानी स्टोरी नहीं है, एकदम करंट है। आप इंस्टाग्राम पे जाके Shahzand टाइप करो, उनके कुछ मतलब इंडिया के वो ऐसे फर्स्ट फोटोग्राफर है जिनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है, और उनके इंस्टाग्राम में इतनी प्यारी प्यारी फोटोग्राफ्स आपको दिखेगी खींची हुई उनके ही द्वारा, एनिमल्स लोगों की, कि आपको मजा आ जाएगा देख के, ठीक है। तो जब ये सिलसिला हुआ, उन्होंने ये इंसिडेंट देखे कि यंग लेपर्ड अभी दम शान से ऊपर जाके बैठा हुआ है, तो उनका इंटरेस्ट उधर से जाग गया। उन्होंने बोले कि अब मैं इसको ट्रैक करूंगा, इसके हर एक सीन को मैं कैप्चर करूंगा, और इसने Shahzand ने इसका नाम क्या रखे? Scarface, याद रखना। यंग लेपर्ड का नाम Shahzand ने क्या रखे? Scarface,
स्कार फेस क्यों? बिकॉज इसके फेस पे स्कार आ गया ना, डीप कट हो गया, और फेस मतलब चेहरे पे, तो चेहरे पे उसका क्या था, एक डीप कट था, तो उसका नाम उन्होंने क्या रखे, स्कार फेस। ओके, फोटोग्राफ ऑफ द लेपर्ड द स्कार फेस एस शाज नेम हिम नॉट ओनली मेड शाज फेमस अमोंग इंडिया वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी बट ऑल्सो लेड टू शाज इनवाइबल रेपुटेशन एज अ क्रॉनिकल ऑफ द वाइल्ड। क्या बोल रहे हैं कि ये लेपर्ड की उन्होंने इतनी ज्यादा फोटो कैप्चर करे और उसको इतना ज्यादा इधर उधर सप्लाई करे कि ये लेपर्ड, ये स्कारफिश तो फेमस हुआ ही, साथ में इसने शार्स जंक को भी वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया। ठीक है, थ्रू माई जर्नी ऑफ फोटोग्राफिंग स्कारफेस आई हैव डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स। मैं स्कारफेस के साथ जब टाइम बिताता था, उसकी अलग अलग मूवमेंट जब कैप्चर कर रहा होता था, तो उसके साथ मुझे अलग अलग लेपर्ड्स भी देखने को मिलते थे। मैं सिर्फ स्कारफेस की फोटो नहीं खींचता था, मुझे उसी दौरान बहुत सारे अलग अलग लेपर्ड्स भी देखने को मिले। उसके दोस्त थे, कुछ उसके एनिमीज थे, कुछ जैसे उसके टाइगर्स लोग के, बाकी के लेपर्ड्स के अलावा टाइगर्स, लायन, मुझे वो सब भी देखने को मिलते थे, तो मैं उन लोगों की भी फोटोग्राफ खींचने लग गया। आई ऑल्सो डिस्कवर द करंट प्रोटागोनिस्ट ऑफ माई वर्क, साया। ओ माई गॉड, ये साया कौन है? तो साया अपना है ब्लैक पैंथर। ठीक है, स्कार फेस के मूवमेंट कैप्चर करते करते उनको और भी दूसरे दूसरे एनिमल्स देखने को मिलते थे, और उसी में से एक एनिमल था जिसका नाम है साया, उन्होंने रखे हैं साया, और ये कौन है, ये ब्लैक पैंथर है। ठीक है, ब्लैक पैंथर, और वो क्या मिला, उनका करंट प्रोटैगनिस्ट है। करंट प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या, मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर मतलब कि वो जो भी सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं, उसकी जो भी वीडियो बना रहे हैं, उसमें अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ना, तो अभी मैं साया के साथ कर रहा हूँ, मतलब मेरी काम में अभी जो मेन कैरेक्टर है वो है ब्लैक पैंथर साया। दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक पैंथर, द बिहेवियर ऑफ विच इज बीन डॉक्यूमेंटेड सो इंटीमेटली ऑन कैमरा बाय ट्रैकिंग इट्स मूवमेंट। क्या बोल रहे हैं, ये जो साया है दुनिया का पहला ऐसा ब्लैक पैंथर है जिसके हर एक मूवमेंट को मैंने कैमरा में कैप्चर किया हूं, और पूरे दुनिया में कोई दूसरा पैंथर ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसके इतने डिटेल्स मूवमेंट को किसी ने कैप्चर किया हो। तो साया क्या है, साया इज द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक पैंथर जिसका हर एक बिहेवियर को इतना डिटेल में इंटीमेटली कैप्चर किया गया है, उसके हर एक मूवमेंट को मैंने ट्रैक किया हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दो लोग मिल गए, पहला कौन है, पहला अपना है स्कारफेस जो कि है यंग लेपर्ड, और दूसरा है साया जो कि है ब्लैक पैंथर। ठीक है, अब क्या होता है, सो फार ऑल द रिसर्च ऑन द एनिमल हैज बीन डन थ्रू कैमरा ट्रैप्स। क्या बोल रहे हैं कि एनिमल्स लोगों के जितने भी मूवमेंट्स है वो हम अब तक सिर्फ कैमरा के अंदर ही कैप्चर कर पाते हैं, है ना, और किसमें कर पाएगा। थ्रू मैनी मंथ्स ऑफ टॉयल, बहुत महीनों की मेहनत के बाद, टॉयल मतलब क्या, मेहनत, हार्डवर्क, शाज हैज मैनेज टू कलेक्ट प्रीशियस फुटेज इंक्लूडिंग डेट ऑफ द एनिमल मेटिंग टू पीस टूगेदर द इनक्रेडिबल लैंडस्केप ऑफ अ ब्लैक पैंथर्स लाइफ। बहुत महीनों की मेहनत के बाद फाइनली शाज ने क्या करे, बहुत सारे पैंथर की लाइफ का स्टार्टिंग से लेके एंड मोमेंट तक उन्होंने कैप्चर करे। ठीक है, ये देखो ये कौन है, ब्लैक पैंथर है, बट शास की भाषा में कौन है, शास की भाषा में ये साया है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, साया तो अपने को समझ गया, स्कारफेस कौन है समझ गया, परदूस, परदूस कौन है, परदूस वही है वो ओल्ड लेपर्ड जो हार गया था। ठीक है, तो देखो ये ब्लैक पैंथर साया है, यंग लेपर्ड स्कारफेस है, और वो जो बूढ़ा लेपर्ड था ना जो हार गया, उसका नाम उन्होंने क्या रखे, परदूस। बस तीन ही नाम है, अब टेंशन मतलब भूल गया, अरे यार ये हर एक एनिमल का नाम रख रहे हैं हम कैसे याद रखेंगे, तीन ही है बस, खत्म हो गया, साया स्कारफेस एंड परदूस। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ये तीनों ने, साया स्कारफेस एंड परदूस, द लेपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस हैज ऑलवेज लेट शाज डाउन अ डिफरेंट पाथ ऑफ डिस्कवरी। ये तीनों एनिमल ने, तीनों लोगों ने शाज की लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्कवरी को किए। लर्निंग अबाउट दैम एंड द लॉस टू देयर हैबिटेट हैज लेड शार्स टू क्रिएट द बफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब मैं जो आपको बोल रही थी ना कि शार्स जंग कौन है, एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का उन्होंने बहुत बड़ा सोल्यूशन निकाले, तो उन्होंने बहुत बड़ी एजेंसी खोले,
ऑर्गेनाइजेशन खोले, ट्रस्ट खोले, उसको हम क्या नाम दिए, BCRTI। आप बोलोगे क्यों खोले, क्यों ऑर्गेनाइजेशन हम खोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखो क्या प्रॉब्लम हो रही थी बताऊं, चलो रीड करते। क्या संस्था, संस्था क्यों खोले थे, इट इज एन एजेंसी डेट एजुकेट्स विलेजर्स टू लीव ऑन द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। देखो होता क्या था, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ, होता क्या था, ये नागर होल वाइल्ड लाइफ जिधर पे मौजूद था, ये जंगल जिधर पे मौजूद था, उसी के जस्ट करीब में एक अपना गांव था, विलेज था। गांव के लोग ज्यादा क्या करते, खेती बाड़ी करते। वो लोग खेती बाड़ी करेंगे तो वो लोग अपने पास बफर स्टॉक रखेंगे, उन लोग के कुछ पालतू जानवर हो गए, बफेलो, काओ, डॉग्स, कैट, मुर्गी, बहुत सारी चीजें होगी, है ना। तो वहां पे कुछ ऐसा बाउंड्री नहीं थी कि एनिमल नहीं आ सकता, मतलब ये नागर होल के लेपर्ड उधर नहीं जा सकते, है ना। तो क्या होता था, नागर होल के जो भी एनिमल्स थे वो इस विलेज में जाके वो लोग के पेट्स लोग पे हमला करते थे, वो लोग की खेती बाड़ी को खराब कर देते थे, ठीक है। देखो तो उसकी वजह से देखो उन लोग पे हमला करते थे। प्रॉब्लम सुनो, BCRTI शार्ज जंक ने निकाले, क्यों निकाले, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोटिस की है। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि नागर होल के एनिमल इंक्लूडिंग परदू, साया एंड स्कारफेस क्या करते थे, उस फॉरेस्ट के पास में जो गांव था उधर पे घुस जाते थे, ठीक है, चले जाते थे। वहां के लोगों की जानों को खतरा होता था, बिकॉज सबको पता है देखो ऐसा सीन होता था। वहां के जो डॉग्स होते थे, देखो ये डॉग है, उसको उन पर अटैक होता था, देखो यहाँ पे डॉग पे ऐसा अटैक होता था। वहां के जो भी बफेलोज है, उन लोगों ने अपने बफेलोज रखे है, काव रखे है, गोट रखे है, उन पे उन लोग जाके अटैक करते थे। तो गांव वाले चुप रहेंगे क्या, गांव वाले लोग के पेट्स पे, उनके बफर स्टॉक पे, लाइफ स्टॉक्स पे, उनकी खेती बाड़ी पे, उन वहां के लोगों पे हमला हो रहा है, तो गांव वाले चुप बैठेंगे क्या? गांव वाले क्या चाहेंगे कि हम अपने आप को बचाए और ये जानवर लोग को मार दे। तो देखो बहुत लोग, देखो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है कि ये गांव वाले लोग ने ये लेपर्ड को पकड़ के मार दिया, सब लोग ने इतनी बुरी तरीके से इसको पकड़े, इसका पैर बांध दिया, उसको लकड़ी से इतना मारे कि इस लेपर्ड की जान चले गई। दूसरी तरफ देखो ये लेपर्ड जो है ये एक विलेज में आके खेती खराब कर दिया था, तो वहां के विलेजर लोग ने, वहां के गांव वालों ने क्या किया पता है, इस लेपर्ड के सर में ये मटका डाल दिया। अब ये इस लेपर्ड के सर में मटका डाल देंगे, ये लेपर्ड को कुछ नहीं दिखेगा, कहां जाए, खाना कैसे खाए, सर उसका इधर उधर लगेगा, कितना दिन जिंदा रहेगा, 2-3 दिन में इसकी डेथ हो गई। अब ये चीज कोई शार्ज जंक जैसा इंसान देखेगा तो चुप रहेगा क्या? शार्ज जंक जैसा इंसान जो लेपर्ड लोगों की हर एक लाइफ के मोमेंट को कैप्चर कर रहा है, वो एनिमल लोगों के साथ 24 घंटा बिता रहा है, वो अपनी जिंदगी का पूरा टाइम जो है एनिमल लोगों को दे रहा है, शार्ज जंग जैसा इंसान ऐसी प्रॉब्लम को नहीं देख पाएगा कि विलेजर्स लोग जो है वो एनिमल की जान ले रहे हैं, बिकॉज क्या हो रहा है, विलेजर्स लोग का नुकसान हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, ये प्रॉब्लम को हम बोलते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। देखो मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम शार्स ने क्या नोटिस करे, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी फाइट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, फाइट, व्हेन एनकाउंटर बिटवीन, किसके बीच में, इंसान और जानवर के बीच में जब लड़ाई होती है, ठीक है, जानवर ने इसकी खेती खराब किया, अब ये लोग ने बदला लेने के लिए उस जानवर को मार दिया, ठीक है, इसकी वजह से क्या क्या होता है, सामने वाले की प्रॉपर्टी तो लॉस होती है, जिंदगी भी जाती है, लाइफ भी जाती है, और फिर जो इतने हमारे जो प्रीशियस एनिमल है वो सब क्या होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। शार्स जंग से देखा नहीं गया, उन्होंने बोले मुझे कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाले, उन्होंने BCRTI नाम की एक संस्था लॉन्च करे। इस संस्था में एक प्यारा सा उन्होंने आइडिया लगाया, क्या किया पता है, वहां के जो भी विलेजर्स लोग थे उन लोगों के पास वो गए, उन लोगों को एजुकेट करने लग गए, उन लोगों को ट्रेनिंग देने लग गए, बोले कि देखो भाई प्लीज आप जो है यहाँ के फॉरेस्ट के एनिमल को मारो मत, ये एनिमल आपको पैसा दिलवा सकते हैं। तो वहां के गांव वाले शॉक्ड हो गए, बोले ऐसे कैसे, ये एनिमल लोग हमारी जान के लिए खतरा है, ये हमारे
पेट्स लोग को खा लेते हैं, ये हमारे खेती को खराब करते हैं, ये तो हमारे लिए नुकसानदायक एनिमल है, ये हमको पैसा कैसे दिला सकते हैं? ऐसा कौन बोलता है? विलेजर्स लोग शास को बोलते हैं। तो शास बोलते हैं, रुको भाई, सबर करो, बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात गौर से। आप लोगों को इस फॉरेस्ट का हर एक कोना कोना पता है ना? तो लोग बोलते हैं, हाँ भाई पता है, हम यहाँ पे जन्मों से रह रहे हैं, हमको पता है कि इस फॉरेस्ट में कितने एनिमल है, कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है, कौन से एनिमल का किधर पे अड्डा बना हुआ है, हमको सब पता है। तो शार्ल्स जंग बोलते हैं कि तुम एक काम करो ना, जब इस नागरहोल जंगल में टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए, इतना बड़ा फॉरेस्ट है, हर एक टूरिस्ट यही चाहता है कि हमारा पूरा टाइम जंगल घूमने में ना बीते, हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम किस में हो, हमको एनिमल्स देखने को मिले। तो आप एक काम करो ना, आप एज अ टूरिस्ट गाइड बन जाओ। तो बोलता है, टूरिस्ट गाइड मतलब क्या होता है? बोलते हैं, अरे एक काम करो, यहाँ पे जो भी इस जंगल में जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं, जो भी लोग एनिमल्स को देखने के लिए आते हैं, आप उनको घुमाओ, आप उनको लेके जाओ, इस एरिया में देखो ये टाइगर है, उस एरिया में लेपर्ड बैठता है, उस एरिया में लायन, जाके आप उनको सैर करवाओ, और उसके बदले में आपने उनका काम आसान करे तो उनके उसके बदले में वो लोग आपको पैसा देंगे, तो आपकी इनकम हो जाएगी। तो बोलते हैं, हाँ यार आइडिया तो मस्त है। तो बोलते, यही तो बोल रहा हूँ, ये जो एनिमल्स लोग है ना, तुमको बहुत अमीर बना देंगे, ठीक है, तो इनको मारो मत किसी भी हालत में, आप क्या करो, इनके टूरिस्ट गाइड बन जाओ। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, ये टाइगर बैठा हुआ है और पीछे जो जीप है, तो ये जो जीप चला रहा होगा या इसके अंदर जो भी गाइड होगा, उसको अच्छे से पता होगा जंगल का हर एक कोने में कि कौन सा एनिमल किधर बैठा है। तो ये लोग क्या करेंगे, इसके पीछे जो टूरिस्ट लोग हैं, लोग ने इसको पैसा दिए, इसको इसका पैसा भी बन गया। क्या, कैसे पैसा बना? यही एनिमल की झलक देखने के लिए, ठीक है। तो ये BCRTI में क्या होने लगा, वहां के विलेजर्स लोग को ट्रेनिंग देने लग गए कि आप लोगों को टूरिस्ट लोग को जंगल में कैसे घुमाना है, और उसके बदले में हम आपको पैसा देंगे, किसी भी हालत में वहां के एनिमल्स लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो BCRTI ने क्या सॉल्यूशन निकाली, ये आपको समझ में आ गया? बताइए, समझ में आ गई बात? हाँ, नागर होल के टूर कराओ टूरिस्ट को, यस, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो, ये टाइगर चल रहा है और ये जो पीछे जीप वाले हैं, ये लोग सब कौन है? टूरिस्ट लोग है, ठीक है। इतना बड़ा जंगल है, उसमें से कौन सा एनिमल किधर मिलेगा, ये एक नॉर्मल कॉमन इंसान को नहीं पता होता है। जो इंसान उधर से 5, 10, 15 सालों से रह रहा है, उसको अच्छे से पता होता है, ठीक है। बोले कि हमको नागर होल की आप सैर कराओ, हम आपको पैसा देंगे। तो विलेजर्स ने बोला कि हाँ यार आइडिया तो मस्त है, चलो ठीक है, ओके। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो, तो इसका सॉल्यूशन किसने निकाला, ये आइडिया किसका था? ये आइडिया था शाज का, इसलिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, शाज जंग इज अ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीकर। मैन, इंसान और जानवर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसका रिजोल्यूशन, उसका सॉल्यूशन शाज ने निकाला, BCRTI नाम की संस्था ओपन करके, जहां पे वहां पे रहने वाले विलेजर्स लोग को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि आपको कैसे नागर होल की सैर करवानी है टूरिस्ट लोगों को, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वी आर इन द हार्ट ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन, शाज बोलते हैं कि ये बहुत एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन बहुत चल रहा था, यहाँ पे कोई अच्छे से बाउंड्री भी नहीं है, एनिमल्स लोग उल्लू के एरिया में चले जाते थे। द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेयर द फील्ड्स बिगेन, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है जहां से फॉरेस्ट होता है, मतलब मिला हुआ है जो मैंने आपको समझाई वो इधर पे लिखा हुआ है। एलिफेंट, वाइल्ड बोर जो है इन लोग की खेती में घुस जाते हैं, इनकर्स करते हैं। ओल्ड लेपर्ड जो कि परदूस है, वो अभी अपने जंगल का राजा नहीं रहा, इसलिए वो अपने जंगल से कभी भी कहीं भी निकल लेता है, क्योंकि अभी वो वहां के जंगल के लोगों, एनिमल लोगों को खाने की इतनी पावर नहीं रखता है, इसलिए वो बाहर निकलता है और जो भी बफर स्टॉक रेडी पड़े हुए होते हैं उसको खाता है, तो वो भी आराम से निकल जाता है परदूस। दिस क्रिएट्स रिसेंटमेंट अमोंग लोकल्स, दिस क्रिएट गुस्सा, रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा, ये क्या होता है, वहां के विलेजर्स लोग गुस्सा हो जाते हैं कि नागर होल के एनिमल आके हमारे एनिमल्स को खा रहे हैं, ठीक है। पुटिंग टूरिस्ट करेंसी टू गुड यूज, तो टूरिस्ट की के थ्रू नागर होल में जो करेंसी आ रही है उसका अच्छा इस्तेमाल करते हुए शाज ने BCRTI खोले।
शार्स प्रोवाइड लोकल विथ वोकेशनल ट्रेनिंग, वहां पे उन लोग को ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पे उनको एजुकेट किया जाता है किस चीज के बारे में, कि आपको टूरिस्ट लोग को तो वहां पे घुमाना ही है, प्लस उन लोग को एजुकेशन भी दिया जाता है कि प्लीज वहां के एनिमल लोग को मत मारो, लोगों को कंजर्व करो, सेफ करो, उन लोग का इंपॉर्टेंस बताया जाता है. द विजिटर्स एट द रिजॉर्ट आर वेलकम टू वॉलंटियर टू टीच अ स्किल ट्रेनिंग क्लास ऑफ देयर चॉइस. वहां पे सारे के सारे विजिटर लोग को क्या है, वेलकम है कि लोग आके सीख सकते हैं कैसे घूमना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. उतना ये रिजॉर्ट अपना वही है नागरकुल. द एक्वायर्ड स्किल एनेबल लोकल्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, विलेजर्स लोग को पैसा मिल रहा है और क्या ही चाहिए उन लोग को. ठीक है, पैसा मिल रहा है ना घुमाने का, तो लोग का एम्प्लॉयमेंट भी हो गया. विथ एनी ऑफ द न्यूमरस वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट इन द रीजन इफ नॉट इन अ फार अवे सिटी. और मतलब उन लोग को दूर जाके भी काम करना नहीं पड़ रहा है, उनके बाजू में ही जो फॉरेस्ट है वहीं पे बैठे बैठे उनको, बैठे बैठे तो नहीं, हाँ, टूरिस्ट लोग को घुमा के पैसा मिल रहा है. अभी देखो, वही गाँव का एक इंसान है, मादे गावड़ा. मादे गावड़ा कौन है ये? वन ऑफ द विलेजर जो पहले जानवर लोग को मार देता था, लेकिन अभी शाज जंक ने उसको ट्रेनिंग दिया. तो ट्रेनिंग देने के बाद वो क्या बोल रहा है, देखो मादे गावड़ा क्या बोल रहा है. मादे गावड़ा इज वन सच लोकल एग्रीकल्चरिस्ट हु इज ट्रेन्ड एट BCRTI. ठीक है, BCRTI में इसको ट्रेन किया गया है, और ये क्या है, इसको सर्टिफिकेट भी दिया गया कि इसको नेचर की सारी इंप्लॉयमेंट. द बायसन, देखो मैं बोल रही थी ना कि एक लॉज के ओनर है, नागरहोल में एक हिस्सा है, वो किसका है, शास जंक है. तो वो उस हिस्से का नाम उन्होंने क्या रखे है, शास जंक ने, द बायसन. ठीक है, क्या नाम रखे है, द बायसन. तो याद रखना, बायसन क्या है, नागरहोल में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके ओनर शास जंक है. इन द पास्ट आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सीजन येल्ड ऑफ अ शुगर केन टू सच एनिमल अटैक. क्या बोल रहा है वो मादे गावड़ा, कि पहले मैं गन्ने की, शुगर केन की खेती करता था, और जो खेती करता था उसमें से 80% नागरहोल के एनिमल आके खराब कर देते थे. 100 किलो अगर खेती हुई है तो 80 किलो खेती जाके लोग आके खराब कर देते थे एनिमल्स लोग. सिर्फ 20% ही मेरे पास होता था तो मैं लोग से बहुत नफरत करता था, नागरहोल के एनिमल से मैं नफरत करता था. आई यूज टू हेट देम बट नाउ, लेकिन अभी आई हैव लर्न इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एनिमल आर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिव नेंग. लेकिन BCRTI में ट्रेनिंग करने के बाद मुझे अभी महसूस हो गया है कि एनिमल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और अगर हम इसको कंजर्व करेंगे तो ये हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए कितना अच्छा है, हमारे नेचर के लिए कितना अच्छा है, और अगर हम कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ उनको सेफ रखते हैं तो अच्छी बात है, उसमें उनका भी कुछ नहीं होना चाहिए, हमारा भी कुछ नहीं होना चाहिए. आई हैव नोन दिस जंगल फॉर 35 ईयर्स. मैं कौन से जंगल की बात हो रही है, नागरहोल को मैं 35 ईयर्स से जानता हूँ, यहीं पर मैं रहता हूँ. आई नो वेयर द एनिमल्स आर, मुझे हर एक कोने में कौन सा एनिमल कहाँ रहता है मुझे पता है. एंड आई रियलाइज आई कैन गाइड विजिटर्स एंड गेट पेड फॉर इट. और मैं विजिटर्स यानी टूरिस्ट लोगों को गाइड कर सकता हूँ और उसके बदले में पैसे भी कमा सकता हूँ. इन अ वे द एनिमल्स आर पेइंग बैक, इन अ वे द एनिमल्स आर पेइंग मी बैक. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एनिमल्स ही तो मेरी इनकम हो रही है. अगर ये एनिमल नहीं होते तो मैं किसको दिखाता, टूरिस्ट आते ही नहीं. तो एनिमल के थ्रू ही मेरे को पैसा मिल रहा है, तो मुझे अभी इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से पता चल चुकी है. तो जो भी इंसान को पैसा मिलता है वो उस चीज में इंपॉर्टेंस उसकी मानने लगता है. ठीक है, तो ये इतना बोलता है. अब लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे शार्ज जंक क्या बोलते हैं. देखो, शार्ज जंक जो है बहुत टाइम अपने जिंदगी का फॉरेस्ट में बिताए है, तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है फॉरेस्ट में अपने इतने टाइम बिताकर. देखो क्या बोल रहे हैं, द फॉरेस्ट हैव टॉट मी मैनी थिंग्स. ये जो जंगल है ना, मुझे बहुत सारे लेसन सिखाया है जिंदगी के. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, लिसनिंग इज अ सेंस फार मोर इम्पॉर्टेंट देन साइट. शार्स जंग क्या बोल रहे हैं कि जंगल ने मुझे ये सिखाया है कि सुनना, लिसनिंग पावर बहुत कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई चीज को देखने से. क्योंकि जंगल में आप जब जाओगे और आंख बंद करके बैठोगे तो वहां के आप जो एनवायरनमेंट है उसको महसूस करोगे, वहां के एक एक इंसेक्ट्स की आवाज, वहां पे चलने वाली हवाएं, बर्ड्स की आवाज को आप महसूस करोगे, आपको धुन को देखना भी नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे अपने शास जंग क्या बोल रहे हैं कि मैं फॉरेस्ट में रह के ये एक चीज सिखाऊं कि जिंदगी में देखने से ज्यादा सुनना इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू स्विच ऑफ योर व्हीकल
sit and listen for the forest is constantly communicating through the voice of birds and animals. ठीक है, जंगल में जाओ, चुपचाप जो भी गाड़ी से आए हो उससे उतरो और शांति से जाके जंगल में बैठ जाओ आंख बंद करके. आप रियलाइज करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि नेचर हमसे बात कर रहा है. आपको ऐसी फीलिंग्स अंदर से आएगी, नेचर आपसे क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है. ये बात एक बार आप महसूस तो करके देखो. ट्रैकिंग एन एनिमल ऑल्सो टीचेस यू अ लाइफ लेसन. कोई भी एनिमल को ट्रैक करना, कोई भी एनिमल की जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसका क्या बोलेगे, इसकी ट्रैकिंग रखना बहुत कुछ अपने को सिखाता है. जैसे क्या, द ब्लैक पैंथर हैज टॉट मी पेशेंस. ब्लैक पैंथर को ट्रैक करने के दौरान मैंने उससे क्या सीखा, पेशेंस. पेशेंस मतलब क्या, जब ब्लैक जो भी एनिमल्स होते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं, जब वो कोई दूसरे एनिमल पे हमला कर रहे होते हैं ना, तो कितना उन लोग पेशेंस रखते हैं पता है. वो लोग हर एक मोमेंट, समझो सामने हिरन है और यहाँ पे ब्लैक पैंथर, लेपर्ड, टाइगर है, तो लोग जाके डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे, एकदम अलर्ट रहेंगे, एकदम हर एक मोमेंट को वो लोग ऐसा रखेंगे. भूख तो बहुत लगी है, उनको पता है मेरा शिकार सामने है, बट उसके बावजूद रुकना, थमना और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अटैक करना, ये कि हमको क्या सिखाता है, पेशेंस. आप ही ऐसा मानो ना, आपके सामने इतना बड़ा पिज्जा रखा है, आप अपने आपको कंट्रोल कर पाओगे, केक रखा है, बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमारे सामने हमारी फेवरेट चीज रखी हुई है. पेशेंस उस वक्त दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ब्लैक पैंथर जो होते हैं, जब उनके सामने उनका खाना रखा होता है तो जाके डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं. बहुत ही, आप देखना वाइल्ड लाइफ अगर आप देखते हो, डिस्कवरी चैनल देखते हो, तो आपको पता होगा लोग कितना, एक दो घंटा उन लोग को लग जाते हैं अपने शिकार पे अटैक करने के लिए. ठीक है, तो वो इधर पे लिखा हुआ है. तो ब्लैक पैंथर ने उनको क्या लाइफ लेसन सिखाया, कि पेशेंस होना चाहिए जिंदगी में. अगर पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आपको के जिंदगी में जो प्यारी चीज आपको चाहिए वो मिल जाएगी. बट अबाव ऑल इट हैज टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग. बट सबसे बड़ी चीज जो मुझे इस जर्नी के थ्रू सीखने को मिली है वो है कि हमको कभी भी जिंदगी में कोई भी न्यू चीज डिस्कवर करने से नहीं रुकना चाहिए. वो बोल रहे हैं कि मैं कहां वो फाइनेंस फील्ड में बैठा हुआ था जिसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं था, बस एक बेसिक सैलरी मिल रही थी. वो अपने आप को लक्की मान रहे हैं कि मैंने घर से बाहर निकला, मैं नागर होल में गया, मैं वहां पे गया तो मुझे खुद नहीं पता था कि वो दिन से मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आऊंगा, पूरे दुनिया में फेमस हो जाऊंगा. नहीं पता था. ये कब हुआ, जब वो अपने घर के बाहर निकले, फॉरेस्ट में गए. वो घर के बाहर निकलते ही नहीं, वहां फॉरेस्ट में जाते ही नहीं, तो ये सब कुछ नहीं होता. आज वो कुछ फोटोग्राफर वाइल्ड लाइफ नहीं होते, कुछ इंस्टाग्राम पे उनके 1 मिलियन फॉलोवर नहीं होते, वो कोई एक कंपनी में फाइनेंस की जॉब कर रहे होते बेसिक सैलरी में. तो क्या बोल रहे हैं कि जिंदगी में कभी भी आप कहीं भी रहो, कोई दूसरी चीज ट्राई करने से मत रुको, डिस्कवर करते रहो, न्यू चीज को एक्सप्लोर करते रहो. आपको नहीं पता कब क्या हो जाएगा, कौन सी चीज आपको कहां लेके जाएगी जिंदगी में, यू नेवर नो. आपके हाथों में क्या है, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर. आपके हाथों में क्या है कि आप बाहर निकलो, चीजों को डिस्कवर करो, न्यू चीज ट्राई करो, इतना तो आपके हाथ में है ना. तो वही लाइफ लेसन राइटर अपने को यहाँ पे दे रहे हैं. ठीक है, देर आर जस्ट एक मिनट. ओके, सो बीच में थोड़ी सी वीडियो फिर से रुक गई थी, लास्ट लाइन में वाईफाई थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था. चलिए, मैं क्या बोल रही थी, लास्ट लाइन में बाकी है. There are just so many amazing experiences to learn and share with the world. Last line, Shaz Jung हमको ये बोलते हैं कि मैंने अपने इतने सारे amazing experiences learn किया हूँ और मैं ये अलग अलग lesson दुनिया के साथ share करना चाहता हूँ. मतलब बहुत सारे experience हुए हैं चीज़ों को discover कर करके, चीज़ों को explore कर करके. ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारा ये chapter end हो जाता है. और ये जो chapter है, एक मैगजीन थी सी एंड ट्रेवलर नाम की. ठीक है, सी एंड ट्रेवलर नाम की एक मैगजीन थी, उसमें से ये छोटा सा आर्टिकल निकाल के बनाया गया. ठीक है, जैसे साखा नगजीरा में से एक छोटा सा पार्ट निकाल के आपके सिलेबस में डाला गया है, उसी प्रकार से सी एंड ट्रेवलर मैगजीन में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल के आपके शार्स जंग की चीजें बताएगी.
तो आई होप आपको ये जो शार्स जंग के लाइफ लेसन से बहुत प्यारा एक्सपीरियंस मिला होगा कि आपको जिंदगी में चीजों को ट्राई करना है, यू नेवर नो कि कौन सी चीज आपको कहाँ लेके जाए, पैशन को फॉलो करना है यार, बिकॉज रिग्रेट इज फॉर लाइक लाइफ टाइम, फेलियर आपको टेम्पररी दुख देता है लेकिन जो रिग्रेट होता है वो पूरी जिंदगी आपको सताता है, ठीक है। तो ये सब चीज अपने को इस लेसन से मिलती है, तो यहाँ पे शार्स जंग की जर्नी अपनी एंड हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे BCRTI क्या है, एक मिनट, BCRTI क्या है, ठीक है, मैन एनिमल का जो झगड़ा हो रहा था उसको सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने ये संस्था खोले, ठीक है। साया कौन है, परदूस कौन है, और अपना स्कारफेस कौन है, वो तो बस एक नाम है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तो आपको याद रखना, ठीक है। चलिए जी, लेक्चर एंड हो चुका है, लेकिन खत्म होने से पहले आपसे तीन सवाल पूछे जाएंगे, सो आर यू ऑल रेडी, क्या है बताइए, ये हार्ड वर्ड्स है, मैंने कल के भी सेशन में दे चुकी हूँ, ये पूरे के पूरे चैप्टर का आपका समरी है, ठीक है, इसको आप रीड कर लोगे ना एग्जाम के 2 मिनट पहले तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको हर एक पोयम का, हर एक चैप्टर का वीडियो में ऐसा समरी बना के देती हूँ, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके लिखा करो, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा कि एक पैराग्राफ में पूरा चैप्टर पता चल गया। क्वेश्चन बैंक है नहीं हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अपने को नहीं देखने को मिले। आइस ब्रेकर और ब्रेन स्ट्रॉमिंग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक में जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, लिंक में क्लिक करना है और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल जवाब है उसको रीड करना है, सुनना है, आपको पता चल जाएगा। चलिए, आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, आर यू ऑल रेडी, आज मैं जीतूंगा, चलो देखते हैं आज शोएब खान जीतेगा या नहीं जीतेगा। शोएब बड़ा कॉन्फिडेंट है, वो बोल रहे हैं मैं जीतूंगा, देखते परदूज ओल्ड लेपर्ड है, यस करेक्ट गुंजन, चलो 3 2 1, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बिफोर फॉलोइंग हिज पैशन शार्ल्स जंग वॉज इन टू द विच फील्ड, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आने से पहले शार्ल्स जंग कौन से करियर में थे, फोटोग्राफी में थे, इंजीनियरिंग में थे, सिक्योरिटी में थे या फाइनेंस में थे। कुणाल चौधरी का आंसर, ओके, यस, तो जो भी बच्चे लोग यार ए आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, मैं जानबूझ के आपको ऐसे क्वेश्चन डालती हूँ, आपके एग्जाम में भी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आता है। आप बोलोगे कि हाँ शार्ल्स जंग तो फोटोग्राफी करते थे, ए टिक, अरे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि शार्ल्स जंग फोटोग्राफी करने से पहले क्या करते थे, तो इंजीनियरिंग तो भूल के भी नहीं लिखना है क्योंकि कोई मेंशन ही नहीं है, सिक्योरिटी नहीं, फाइनेंस आपको बोल रही थी बार बार, तो इसका करेक्ट आंसर डी है, जो अल्तमश बी कहाँ से आ गया भाई, इंजीनियरिंग जबरदस्ती अल्तमश, तुमने लेक्चर नहीं देखे हो, यस अंबिका करेक्ट आंसर, तनुजा, सोहा, सुहानी, अनुजा करेक्ट, ठीक है, तो सबसे फास्ट आंसर कुणाल चौधरी का आया, करेक्ट आया, ग्रेट कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, कमेंट सेक्शन को आपको एकदम भर देना है करेक्ट आंसर से, 3 2 1, हु इज परदूस, परदूस कौन है, यंग लेपर्ड, ओल्ड लेपर्ड, ब्लैक पैंथर या वाइल्ड बोर, हु इज परदूस इन द चैप्टर, अल्तमश का सबसे फास्ट, अनम रॉन्ग आंसर, अनुजा करेक्ट, यश करेक्ट, यस आर्या, आयशा भी करेक्ट, तो इस क्वेश्चन का सबसे फास्ट आंसर अल्तमश ने दिया है, क्या बात है, ग्रेट अल्तमश, करेक्ट आंसर इज ओल्ड लेपर्ड का नाम शार्ल्स जंग ने रखे थे परदूस, यंग लेपर्ड का नाम रखे थे स्कारफेस, ब्लैक पैंथर का नाम रखे थे साया, और वाइल्ड बोर का तो कुछ नहीं रखे थे, ठीक है, करेक्ट।
ओल्ड लेपर्ड। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाश या गैश। हमने पढ़े थे कि यंग लेपर्ड के फेस में गैश था, यानी क्या था, एस्टोनिश्ड, अटैक, डीप कट या ड्रिपिंग। वॉट इज द मीनिंग ऑफ गैश इन योर चैप्टर। देखो आपके एग्जाम में सिनोनिम्स हर साल पूछे जाते हैं, आपको बोला जाता है कि इस वर्ड का मीनिंग बताओ, उस वर्ड का मीनिंग बताओ। वॉट वॉज द मीनिंग ऑफ गैश। क्या बात है, सी, एब्सोल्युटली करेक्ट एवरी वन, यस ग्रेट। डीप कट, तो यहाँ पे अपना जो स्कार फेस था वहीं से तो उसका नाम स्कार फेस पड़ा ना, उसके चेहरे पे कट था, निशान आ गया था, स्कार आ गया था, ठीक है। डीप कट करेक्ट आंसर। एग्जाम में याद रखना सिनोनिम्स पूछा जाता है। आज का विजेता कौन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो फंस गए हम क्योंकि तीनों आंसर का फर्स्ट आंसर कोई और दिया है। तो चलिए आज का विजेता हम डिक्लेयर कर रहे हैं कुणाल चौधरी को। ग्रेट कुणाल चौधरी, आपने तो आज धूम मचा दिए, फर्स्ट आंसर आपने सबसे फास्ट आंसर दिए, इसलिए आपको मैं आज का विजेता घोषित कर रही हूँ। सेकेंड आंसर का अल्तमश है, तो कुणाल एंड अल्तमश दोनों को विजेता हम आज घोषित कर रहे हैं। ग्रेट, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि सबसे फास्ट और करेक्ट आंसर देना, वो लेवल एकदम अलग ही होता है। ग्रेट, बट आप सबको बताइए, यू ऑल आर विनर। बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है, कल हम जो है आपका चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, ठीक है, और पूरा का पूरा एक ही वीडियो में उसको पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है, जैसा हम करते हैं। सो ग्रेट, चलिए यू ऑल आर विनर फॉर मी। चलिए कल रात 9 बजे क्या होगा, कल रात 9 बजे हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है योगिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस, चैप्टर का नाम है, पता है, लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 के बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 5 एंड 7 कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये ना ये दो चैप्टर पिछले साल वालों को ओमिटेड थे, पिछले साल वालों को ओमिटेड थे ना, इसलिए थोड़ा सा इसको एंड में कराऊंगी। तो कल चैप्टर नंबर 8 जॉगिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस में मिलेंगे हम, मजा आएगा, बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है उस मतलब आपका चैप्टर नंबर 1 बायोग्राफी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो जो भी बच्चा मराठी मीडियम का है और उसका बहुत बड़ा सपना है कुछ करने का, और वो डिमोटिवेट होता है कि मुझे मराठी, मैं तो मराठी स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, मैं उस मुकाम में कैसे पहुंचूंगा जहाँ पे लोग एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, तो वो लोगों के लिए ये वाला चैप्टर जो है बहुत ही इंस्पिरेशन होने वाला है और आपको बहुत प्यारा मैसेज देगा कि आप जो है कुछ भी कर सकते हो, इफ यू नो द पावर ऑफ डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। ग्रेट, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे। बट जाने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, 79 लाइक्स है, 130 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मतलब 50 बच्चों ने लाइक नहीं किए हैं। अभी यही चीज कोई गेमर आपको बोलता है ना, लाइक ठोको, लाल बटन दबाओ, तो बराबर करते थे, बट क्या करें, हम तो एक टीचर है, हमारी बात कौन सुनेगा। इमोशनल अत्याचार, यार लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को, जो भी स्टूडेंट, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो नहीं एफोर्ड कर पाते हैं चीजों को, तो उनके साथ ही अपना ये चैनल शेयर करो, ओके। सब्सक्राइब आपने किए ही होगे तभी तो कमेंट कर पा रहे हो। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो। जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो आप लोग को भी अच्छे से पढ़ना है, फास्ट फॉरवर्ड लेके चलना, ठीक है। कुछ बोलना है आप लोगों को? 3 वाला अच्छा यार, हाँ नॉवेल नंबर 2 के लिंक में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मुझे भी नहीं पता वो उसमें क्या हो गया है, मुझे न्यू लिंक क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर मैं आपको भेज दूंगी। चलिए तो चैप्टर नंबर 6 पूरा अपना हो गया, इसको दो पार्ट में हमने पढ़े हैं, कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 के साथ। बाय बाय।